और अब खबर रीवा से है, जहां एक ओर देश में नवरात्रि का त्यौहार पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं नई गढ़ी थाना क्षेत्र में जगत जननी मां अष्टभुजा धाम के समीप नवरात्रि महीने में नई शराब दुकान का खोलने का विरोध जोर शोर से शुरू हो गया है। शासन और प्रशासन की गाइडलाइन को शराब माफियाओं के द्वारा दरकिनार करते हुए मॉडल स्कूल, कन्या छात्रावास, अष्टभुजा धाम मंदिर परिसर सहित तिराहे में शराब की दुकान खुलने का अगस्त क्रांति के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने अपने साथियों के साथ नईगढ़ी तहसील पहुंचकर नईगढ़ी तहसीलदार को ज्ञापन देकर विरोध दर्ज किया और शराब की दुकान को बंद कराने की मांग की। अगस्त क्रांति मंच के साथ नईगढ़ी के अधिवक्ता भी उपस्थित रहे। कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि यहां पर शराब दुकान खुल जाने से घटना में इजाफा होगा। वहीं पास में ही कन्या छात्रावास बना हुआ है, मॉडल स्कूल बनी है और ऐसे स्थान में नई शराब की दुकान खोलना दुर्भाग्यपूर्ण है। हाल में ही राजनिवास में हुए दुष्कर्म के मामले की आग बुझी नहीं थी कि नईगढ़ी में कन्या छात्रावास के समीप शराब दुकान का खुलना किसी ऐसे ही घटना को आमद देने से कम नहीं है। और अब देखना ये होगा कि रीवा जिला प्रशासन इस पर तत्काल संज्ञान लेकर शराब की दुकान को हटाने की कार्रवाई करता है या फिर किसी नए कांड के होने का इंतजार करता है। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक ने कहा कि अगर एक हफ्ते के भीतर शराब दुकान को वहां से नहीं हटाया जाता तो एक निर्णायक आंदोलन होगा जिसकी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। रसूख के दम पे यहां पे शराब की दुकान खोली है, ऐसी जगह शराब की दुकान खोली है जहां सुबह 4 बजे से इस क्षेत्र की माता बहने पैदल आती है मां अष्टभुजा का दर्शन करने और इस चौराहे पे बैठ के बस और ऑटो का इंतजार करती है। पूर्व में भी कई तरह की यहाँ कन्याओं के साथ, लोगों के साथ, दर्शनार्थियों के साथ घटनाएं हो चुकी हैं। हम लोगों ने मांग की थी चौकी की कि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी खोली जाए, लेकिन पुलिस चौकी ना खोल के अपराध का एक बहुत बड़ा अड्डा। जब इस तरह की कोई घटना होती है तो आप देखते हैं कि नशे के कारण हुआ यहाँ, और मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं है। मैं इस आंदोलन में सफल हूँ ना हूँ, लेकिन भविष्य में जो हमको दिख रहा है, उस वक्त जब यहाँ पे दुराचार होगा, लूट होगी, मर्डर होगा, युवाओं के साथ अत्याचार होगा, कन्या छात्रावास में दुराचार करने का प्रयास करेंगे, अगस्त क्रांति मंच के लोग संतुष्ट रहेंगे कि हमने शुरू से इस लड़ाई को लड़ा है। देखिए, यहाँ पर गाइडलाइन से हट करके शराब माफियाओं द्वारा और यहाँ पर छात्रावास और विद्यालय और तहसील और यहाँ पे अष्टभुजा मंदिर, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, यहाँ पर बिल्डिंगें हैं और इसी के बीच में ये शराब माफियाओं द्वारा शराब की भट्टी खोली गई है। इसी को विरोध लेकर के यहाँ के जनता इनके खिलाफ है और यहाँ से हटना चाहिए। इससे कि आपने इसमें अपने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि उसके बगल में जो नया भवन या कि जहाँ पे होना स्थापना उसका होना है, एक तो अष्टभुजा मंदिर है और मॉडल स्कूल है और छात्रावास भी है, तो जैसा भी शासन प्रशासन निर्णय लेगा वैसा होगा। कितनी दूरी पर है मॉडल स्कूल और मंदिर? अब ये तो उसके नियमावली में ही उल्लेख होगा, ये तो अपने को वो है नहीं, लेकिन नियमावली में उल्लेख होगा, आबकारी विभाग का होगा या कि फिर ये तहसीलदार अपने विशेष अधिकार का करते हुए कर सकते हैं। जिस प्रकार से आए दिन घटनाएं घटित हो रही हैं और एक विद्यालय और संस्था के इतने करीब शराब दुकान का होना, प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करेगा? ऐसा तो होना नहीं चाहिए, फिर भी अपन आप कर रहे हैं तो हम बिल्कुल सहयोग प्रदान करेंगे। थैंक यू।